नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। सप्ताह के अंत में एक बहुत बड़ी खबर आई है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। जो प्रति व्यक्ति सालाना आय 60,000 रुपए से कम थी, वो अब बढ़कर 67,000 रुपए हो गई है। बिहार की प्रति व्यक्ति सालाना आय आसपास के राज्यों से काफी कम है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पिछड़े राज्यों के आंकड़े जारी किए। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का सांख्यिकी सर्वे गौर करने लायक है। बिहार प्रति व्यक्ति आय में इन सभी राज्यों से काफी पीछे है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 से अधिक है। पश्चिम बंगाल का 1,54,000 से अधिक है। मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल के लगभग बराबर है। उड़ीसा का प्रति व्यक्ति आय 1,63,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय बिहार से अधिक और इन अन्य राज्यों से कम है। स्थिर मूल्य पर भी आमदनी में बढ़त की गणना दी गई है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 14.5% की बढ़त हुई है। बिहार का विकास दर इस तरह 9.2% हो गया है। 2023-2024 में बिहार की अर्थव्यवस्था 6,64,000 करोड़ रुपए हो गई है। एक साल पहले यह 4,25,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा था। इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में सरकारी निवेश की वजह से तरक्की तो हो रही है, परंतु बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश में अन्य आर्थिक तरक्की के संस्थान, कारखाने, खदान लगे हैं। इसलिए अभी भी बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़े प्रदेशों में भी पिछड़ा बना हुआ है। ऐसी खबरों पर गौर करने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज की, धन्यवाद।